पहली नजर में इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह गए होंगे, सोच रहे होंगे कि सर पर मुस्लिम टोपी पहनकर ये लोग अर्थी को उठाकर कहां ले जा रहे हैं और वो भी हिंदू रीति रिवाज के साथ। शायद इस तरह की तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जब देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लोग परेशान हैं, कोई किसी की मदद के लिए 100 बार सोचता है, इस मुश्किल वक्त में इंदौर की इस वीडियो ने इंसानियत की नई मिसाल पेश कर दी है। वीडियो इंदौर से है जहां पर एक हिंदू महिला की मौत हो गई। अब लॉकडाउन के वक्त मौत होने से ना तो कोई रिश्तेदार आ सका और ना ही किसी पड़ोसी ने इस हिंदू महिला परिवार की मदद की। महिला के बेटे का कहना है कि इन पड़ोसी मुस्लिम लोगों ने हर तरह से मेरी मदद की है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो सब मुस्लिम भाई ने सबने मदद कर दिया हमारे यहाँ। इस तरह से मदद करी है क्या? मतलब जो भी चाहिए आपको, कुछ तरह भी खाने पीने का, सभी पैसे कौड़ी सबसे भी सब तरह से मदद करी है। कहते हैं कि सच्चा पड़ोसी वही होता है जो अपने पड़ोसी की बुरे वक्त में मदद करे। इस हिंदू परिवार के पड़ोस में रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से इस परिवार की पूरी तरह से मदद की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते देश ठप पड़ा हुआ है, कोई भी इंसान अपने घर से नहीं निकल पा रहा है। इन मुश्किल हालात में एक पड़ोसी ही आपका सच्चा साथी होता है और इन मुस्लिम लोगों ने एक बेहतर पड़ोसी और एक बेहतर इंसान होने का पूरा परिचय दिया। इसलिए कहते हैं कि इंसानियत वो चीज है बंदे, जो ना जात देखती है ना धर्म। हमने मिल के सबने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है इनका क्रियाकर्म करा है, जो भी इनके उसमें होता है वैसे मिलके, क्योंकि अभी माहौल के हिसाब से इनके रिश्तेदार भी कुछ आने वाले नहीं थे, फिर भी हमने मोहल्ले में मिलके जैसा इन्होंने बोला वैसे ही हमने पूरा रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार।